तुर्की का 500 बिलियन डॉलर्स का तरक्याती प्रोजेक्ट। आजकल की दुनिया में बहुत सी इकाइयां बदल गई हैं, जिनको जांचने का मयार कुछ अरसा पहले कुछ और होता था। आजकल जंगें बड़े पैमाने पर फौजी कार्रवाइयों से नहीं लड़ी जाती, बल्कि आजकल जंगें टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी के जोर पर जीती जाती हैं। मिलिट्री पावर से इनकार तो नहीं, लेकिन मिलिट्री पावर भी टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पावर की मरहूने मिन्नत होती है। यानी कोई भी मुल्क जब तक इकोनॉमिकली पावरफुल नहीं होगा, वहाँ की आवाम खुशहाल नहीं होगी और उसकी करेंसी पावरफुल नहीं होगी, वो मुल्क किसी से अपनी बात मनवा नहीं सकता। हमारी आज की वीडियो तुर्की के एक ऐसे 500 बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट के बारे में है, जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। और तुर्की के लिए ये प्रोजेक्ट खित्ते में गेम चेंजर साबित होगा। यानी खिलाफत उस्मानिया पर पाबंदियां ख़त्म होते ही तुर्की एक ऐसा मुकाम हासिल करने जा रहा है, जिससे वो अपनी खिलाफत उस्मानिया की सल्तनत की याद ताज़ा कर सकेगा। लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को पूरा लाजमी देखें और अपने दोस्तों को शेयर भी लाजमी करें। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अब बाकायदा अपने मौजू का आगाज करते हैं। तुर्की, जो कि एशिया और यूरोप के मिड में वाक़ एक इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश मुल्क है, तुर्की ने हाल ही में इस सदी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी इन्वेस्टमेंट एस्टीमेशन 500 बिलियन डॉलर्स लगाई गई है। इस मेगा प्रोजेक्ट में तुर्की ने ख़ास तौर पर कुछ फेजेस में काम शुरू किया है। इन ख़ास फेजेस में से अहम तरीन ये हैं: ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, हेल्थ केयर, टूरिज़्म और अर्बन डेवलपमेंट। अब हम इन तमाम फेजेस को तफसील से बयान करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन रेवोल्यूशन इन तुर्की। इस सदी के इस सबसे बड़े तरक्याती मंसूबे में तुर्की अपनी ट्रांसपोर्टेशन के शोबे में इनकलाब लाने जा रहा है। इसमें तेज़ रफ्तार रेलवे का जदीद तरीन निज़ाम, मौजूदा एयरपोर्ट्स को इंतहाई जदीद बनाना और साथ ही नए एयरपोर्ट्स की तामीर, मोटरवेज और हाईवेज का मुल्क के तूलो अर्ज में एक जाल बिछाना, शहरों में ट्रांसपोर्ट का जदीद तरीन और तेज़ तरीन इंतज़ाम करना। यकीनन ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन से मुल्क एकदम बूस्ट करेगा और हैरान कुन तरीके से तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। इस ज़िमन में तुर्की ने हाई स्पीड रेलवे सिस्टम मुतारिफ़ करवा दिया है, जिसको इस्तंबुल अंकरा हाई स्पीड रेलवे का नाम दिया गया है। इस रेलवे के जदीद तरीन निज़ाम को इंस्टॉल करने से सयाहों को बहुत फ़ायदा हुआ है। पावरिंग द फ्यूचर तुर्कीज़ डायनामिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। एडवांस एनर्जी की अहमियत को देखते हुए तुर्की ने इस मंसूबे में चंद इनकलाबी इकदाम किए हैं, जिनमें विंड एनर्जी फार्म्स, सोलर पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। तुर्की ने हर प्रोजेक्ट इस बात को समझते हुए शुरू किया है कि आने वाले दिनों में फॉसिल फ्यूल पर इनहसार कम किया जाए और आवाम को इंतहाई सस्ती और अनलिमिटेड एनर्जी इस्तेमाल करने को दी जाए। हकीकत में ये एक इंतहाई शानदार कदम है और यकीनन इससे आवाम को बहुत फ़ायदा होगा। एडवांस एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में अब हम चंद चीदा चीदा नुकात पर थोड़ी सी तफसीली बात करते हैं। कुदरती गैस की अहमियत को समझते हुए तुर्की की हुकूमत ने मुल्क में कुदरती गैस की पाइपलाइनों, ज़खीरा करने की सहूलत और एलएनजी टर्मिनल्स की तामीर और तौसी पर
ख़ास तवज्जो की है और सरमायाकारी की है। इससे तुर्की को ये फ़ायदा हुआ है कि हमसाया ममालिक को गैस फराहम करना और कीमती ज़र्रे मुबादला कमाना और आवाम को रिलीफ देना। यकीनन इस इकदाम से तुर्की अपने रीजन में एक अहम ट्रांजिट हब के तौर पर नुमाया होगा। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिजली के निज़ाम को इंतहाई जदीद और महफूज बनाता है। तुर्की ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी को भी इंस्टॉल किया है, जिससे अवाम स्मार्ट मीटर्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग और डिमांड रिस्पांस जैसी टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हासिल कर रही है। तुर्की ने इलाकाई तआमुन को फ़रोग देने और तवानाई के राबतों को बढ़ाने के लिए सरहद पार तवानाई के मंसूबों में तुर्क स्ट्रीम और TNAP जैसे मंसूबे शुरू किए हैं। फ्रांस अनातोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन ने तुर्की की पोजीशन को देकर हमसाया ममालिक के सामने इंतहाई मजबूत किया है और यूरोप, एशिया और मशरिक़ वुस्ता के दरमियान कुदरती गैस की नकलो हमल को भी आसान बनाया है। तुर्की's path to excellence advancing health care। तुर्की का ये तरक्याती प्रोग्राम सेहत की जदीद तरीन सहूलियात को भी पूरा करता है। इस प्रोग्राम के तहत जदीद तरीन रिसर्च सेंटर कायम किए गए हैं, जिनमें जदीद तरीन अद्वियात की तैयारी, नई अद्वियात पर रिसर्च, मुख्तलिफ अमराज के बारे में बारीक बीनी से इनके इलाज की खोज और मुख्तलिफ अकसाम की वैक्सीन्स की तैयारी शामिल है। इसके अलावा यूनिवर्सल हेल्थ केयर कवरेज के तहत आम आदमी के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का इजरा एक बहुत अहम संगे मील है। इस ज़िमन में 2008 में इसको अमली तौर पर शुरू कर दिया गया है, जिसमें सेहत की जदीद तरीन सहूलियात तुर्की के हर खास व आम तक पहुँची हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत पूरे तुर्की में हर शहर में और हर गांव में जदीद तरीन हॉस्पिटल्स, जदीद तरीन लेबॉरटरीज़, ह्यूमन बॉडी ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स, जदीद तरीन कैंसर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जिससे आम आवाम को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसी प्रोग्राम में एक और इनकलाबी कदम भी उठाया गया है, जिसके मुताबिक टेली मेडिसिन और डिजिटल हेल्थ की एप्लीकेशंस मुतारिफ करवाई गई हैं, जिनकी बदौलत डॉक्टरों से राबते में रहना और दीगर अमराज के बारे में मालूमात हासिल करना बहुत आसान हो गया है। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तुर्की की भरपूर तारीख, मुतहरिक सकाफत और कुदरती खूबसूरती टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। इसी वजह से इस तरक्याती मंसूबे में टूरिज़्म को बहुत अहमियत दी गई है। इस ज़िमन में सबसे पहले तमाम ममालिक के लिए तुर्की का टूरिस्ट वीज़ा बहुत आसानी से फराहम करने का प्रोग्राम बनाया गया है। इसके अलावा पूरे तुर्की में ख़ास तौर पर अहम तरीन टूरिस्ट प्लेसेस को टूरिस्ट के लिए पुरकशिश बनाने के लिए ख़ास इंतज़ाम किया गया है, जिसके तहत टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात मुहैया की गई हैं। इसके अलावा होटल्स को ख़ास तौर पर टूरिस्ट के लिए मुनासिब किराए पर फराहम करने की हदायत जारी की गई है। इसके अलावा मेडिकल की फ्री सहूलियात मुहैया की गई हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किरायों की मद में टूरिस्ट को बहुत रियायत दी जाती है। तुर्की में टूरिज़्म को एक ख़ास सनत का इकॉनमी हब में तब्दील कर दिया गया है, जिसकी बदौलत तुर्की हर साल इस शोबे से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है और इससे तुर्की की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हो रहा है। अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग। आम लोगों का मयारे ज़िंदगी बुलंद करने के लिए इस मेगा प्रोजेक्ट में आम लोगों को ज़ाती रिहाइश, कारोबार, तालीम और दीगर ज़िंदगी की सहूलियात फराहम करने को यकीनी बनाया गया है।
इस ज़मन में आम लोगों को घर बनाने के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर बैंकों से इंतहाई आसानी से कर्ज़े दिए जाते हैं और कर्ज़ लेने वाले की ख्वाहिश के मुताबिक आसान तरीन इकसात बना दी जाती हैं और इसके साथ ही कारोबार के लिए भी यही तरीका अपनाया गया है, जिससे लोग बहुत आसानी से कर्ज भी उतार लेते हैं और मकान और कारोबार के भी मालिक बन जाते हैं। इस तरीके से हर शहरी मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद शहरी बनकर मुल्क की इकोनॉमी को फ़ायदा देता है। इसके अलावा नौजवानों और बच्चों की तालीम व तरबियत और हुनरमंद बनाने को भी तुर्की की हुकूमत इस प्रोग्राम के तहत अपना अव्वलीन फ़र्ज समझती है। इस तरह बच्चे और नौजवान आने वाले वक्त में मुल्क के लिए बहुत अहम खिदमात सरंजाम देने के काबिल बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये था तुर्की का $500 बिलियन प्रोजेक्ट ऑफ द सेंचुरी। यकीनन ये प्रोग्राम अगर किसी भी मुल्क में शुरू किया जाए तो वो मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से लाजमी इन्फॉर्म करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।